नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर मनी यूट्यूब चैनल पर। मैं बात करने जा रहा हूं फार्मास्यूटिकल्स कंपनी नाटको फार्मा लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी के रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव वाली न्यूज निकल के सामने आ रहा है, तो आइए पहले डायरेक्टली न्यूज के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, कंपनी आज के दिन मई 21, 2021 दोस्तों यहाँ पर उन्होंने प्रेस रिलीज करके बताया है, नाटको फार्मा लिमिटेड हैज इनिशिएटेड फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल फॉर मोलनुपिरावीर कैप्सूल्स इन इंडिया। इट्स फर्स्ट पेशेंट्स वर डोज्ड टुडे इन यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद। वाकई दोस्तों एक बेहतरीन न्यूज, और एक जो है अभी के समय के लिहाज से देखेंगे तो एक जो है यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज है, जो नाटको फार्मा यहाँ पर अपना फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल कर लिया है दोस्तों, जो कि वो कैप्सूल यहाँ पर लाने वाला है। कैप्सूल का नाम है मोलनुपिरावीर। प्री क्लिनिकल डेटा हैव शोन दैट मोलनुपिरावीर हैज ब्रॉड एंटी इन्फ्लुएंज एक्टिविटी इंक्लूडिंग हाईली पोटेंट इनहिबिटेशन ऑफ सार्स कोविड 2 रेप्लिकेशन। पेशेंट्स ट्रीटेड विथ मोलनुपिरावीर अचीव्ड रेस्पॉन्स विद इन 5 days ऑफ थेरापी, इंडिकेटिंग दैट द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट विथ मोलनुपिरावीर इज शॉर्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वाकई गौर करने वाली बात है। यहाँ पर पेशेंट जो है 5 दिन में ठीक होने का यहाँ पर दावा किए हैं, और ये बहुत जल्द ये क्लिनिकल ट्रायल अगर ये हो जाता है दोस्तों, राइट हो जाता है और पास हो जाता है, तो ये बहुत जल्दी जो है आम जनता को लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। एक पॉजिटिव न्यूज है, और इसमें आप कंपनी के शेयर में आने वाले समय में आप इसको नज़र बना के रख सकते हैं। अगर आज की बात करेंगे, देखिए कंपनी के शेयर में एक ज़बरदस्त जंप देखने के लिए मिला दोस्तों, लगभग 6% का यहाँ पर आपको उछाल यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लगभग 53 पॉइंट का उछाल दिखाते हुए कंपनी के शेयर्स में। नेक्स्ट अगर हम कंपनी के और कुछ पैरामीटर को देखेंगे, यहाँ पर पहले कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर के ऊपर नज़र डालते हैं। पहले ईयर वाइज रेवेन्यू को देखते हैं दोस्तों, आखिर कंपनी कैसे परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर देखिए, रेवेन्यू 2016 की बात करें तो 1042 था, और जो है दिसंबर 2020 की रेवेन्यू यहाँ पर देखिए 1915 करोड़ रुपया है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे, देखिए कंपनी का 2016 में नेट प्रॉफिट था 153 करोड़ का। यहाँ पर देखिए 2018 में बेहतरीन प्रॉफिट जनरेट किया था 695 करोड़ का, और दिसंबर की बात करेंगे तो देखिए 2020 की 458 करोड़ का। दोस्तों करने की कंपनी की ईपीएस को भी देखेंगे तो बेहतरीन नजर आएगा, 9.14 ये अभी दिसंबर 2020 में 25.33 है कंपनी का ईपीएस। आरओई के ऊपर भी थोड़ा सा नज़र डालते हैं, देखिए कंपनी का आरओई है 12.12, अभी भी कंपनी का आरओई 12.21 है दिसंबर 2020 में। फाइनेंशियल पैरामीटर के लिहाज से भी देखेंगे तो कंपनी काफ़ी बेहतरीन और शानदार यहां पर नज़र आता है दोस्तों। कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे, यहां पर देखिए प्रोमोटर के पास 48.87 की यहां पर होल्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगा, और कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेज होता हुआ प्रोमोटर का यहाँ नहीं दिख रहा है। FIA के पास कुछ है क्या यहाँ देखते हैं, ये देखिए 16.3% की होल्डिंग FIA होल्ड करते हैं। ये होल्डिंग देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने मार्च 2021 में यहाँ थोड़ा सा कम कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम DIA होल्डिंग देखेंगे, देखिए DIA के पास ये देखिए 16.15 का एक बेहतरीन होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। ये 15.05 था, यहाँ पर इन्होंने जो है DIA लोगों ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाता हुआ नज़र आएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर पब्लिक की बाकी होल्डिंग यहाँ पर देखिए 18.65% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। कंपनी का अगर और कुछ पैरामीटर को देखेंगे, यहाँ देखिए कंपनी का आरओई को यहाँ पर देखिए चेक कर लेते हैं इनके पीयर कंपनियों के साथ दोस्तों। यहाँ पर देखिए आरओई को अगर देखेंगे, ये देखिए 12.21 है नाटको फार्मा का आरओई, सन फार्मा का 8.31 रिटर्न ऑन इक्विटी है, डिवीज लैब देखिए 18.83 है, और डॉक्टर रेडिस लैब का अगर देखेंगे 11.06 और सिप्ला का 13.12। आरओई के लिहाज से भी देखेंगे एक बेहतरीन पीक्स यहां पर नज़र आता है नाटको फार्मा कंपनी का। पी को अगर हम कंपेयर करेंगे, यहां देखिए दोस्तों 37.46 पी में नाटको फार्मा चल रहा है, जबकि डॉक्टर्स रेडी की बात करेंगे तो 44.45। इसमें भी आप नाटको फार्मा में नज़र जमा के रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट को अगर चेक करेंगे, यहाँ देखिए कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे
कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस है दोस्तों, देखिए 3833 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, 90 लाख का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 313 करोड़ का यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है कंपनी के पास। डेप्ट फ्री कंपनी नजर आ रहा है, ज्यादा कर्जा कंपनी के पास अभी नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करेंगे, देखिए 54 करोड़ हाथ में रखता है कंपनी, और अभी करंट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे 5 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता हुआ कंपनी नजर आता है। टोटल एसेट देखिए 4646 करोड़ का टोटल एसेट कंपनी के पास है। टिकर टेप वेबसाइट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 50% एनालिस्ट इसको बाय करने के लिए यहाँ पर सजेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, और कंपनी की प्राइस फोरकास्ट को देखेंगे तो आने वाले समय में 1297-1279 रुपया तक ये कंपनी आगे जा सकता है दोस्तों। इसमें इनको 30% की यहाँ पर अपसाइड जो है टिकर टेप वेबसाइट को कंपनी के शेयर में नज़र आता है। आज की अगर हम कामकाज को देखेंगे कंपनी का, देखिए आज का अगर डिलीवरी परसेंटेज देखिए 30.58% की यहाँ पर डिलीवरी उठाते हुए आपको देखने के लिए मिलेगा। कुल मिला के देखेंगे तो कंपनी तो अभी के लिहाज से खबर के दम पे दोस्तों एक बेहतरीन नज़र आ रहा है। आने वाले समय में कंपनी के जो है शेयर में कुछ जो है उतार चढ़ाव दिख सकता है दोस्तों, आप इसमें नज़र बना के चल सकते हैं। बस आज के लिए इतना था, वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।